हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमल्स जोन। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ पग डॉग से रिलेटेड। दोस्तों हमें पग डॉग को क्या खिलाना चाहिए, तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पग डॉग बहुत ही चूजी डॉग होता है और इसकी और डॉग्स के मुकाबले इसकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। तो दोस्तों जैसे ही आपका डॉग बॉर्न होता है उसके बॉर्न होने से लेके 40 डेज तक हमें उसे मदर की फीडिंग ही करवाना उसके लिए बेस्ट रहता है। उससे उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और उसको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लग पाती। दोस्तों अगर किसी कारणवश मदर फीड नहीं करवा पा रही है तो आप उसे मार्केट से मिल्क रिप्लेसर भी ला के दे सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर आप उसको दिन में 3 से 4 बार आप उसको पिला सकते हैं। ध्यान रहे आप उसे किसी और चीज़ का दूध बिल्कुल ना दें, और मिल्क रिप्लेसर आपको बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में बड़े ईजिली आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 40 डेज से 3 मंथ्स के पप्पी को हमें क्या खिलाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें उसका स्टार्टर शुरू करना होगा। स्टार्टर्स आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्टर्स देने का सही तरीका यह है कि हम उसको पानी में डिप करके दें ताकि वो नरम हो जाए। स्टार्टर्स उसके साथ साथ हम उसे स्टार्टर्स को मिल्क रिप्लेसर में भी उसको मिलाकर उसे दे सकते हैं, और साथ के साथ हम उसे थोड़ी बहुत ही दही भी उसको खिला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के बेबी को हमें क्या खिलाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसे किचन फूड पे लेके आना होगा। तो सबसे पहले हम इसको बॉइल्ड एग देना शुरू करेंगे। बॉइल्ड एग हम इसको, अगर सर्दियों का वेदर है तो हम इसको एक एग सुबह और एक एग शाम को दे सकते हैं। अगर गर्मियों का वेदर है तो हम इसको एक ही बॉइल्ड एग देंगे ताकि इसको लूज मोशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। दोस्तों इसके साथ साथ हम इनको ऑमलेट भी बनाकर खिला सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ऑमलेट किसी भी रिफाइंड ऑयल में ना बना हो, सिर्फ और सिर्फ बटर में ही इनको ऑमलेट दीजिए, और वो बिना नमक मिर्च के हो। बिना नमक मिर्च के हल्का फुल्का मसाला चलेगा मगर बिल्कुल नमक मिर्च नहीं होना चाहिए। एक कटोरी दही उसको दिन में दोपहर के टाइम उसको ज़रूर खिलाएं कि जिससे उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक रहे। इसके साथ साथ हम इनको फ्रूट्स भी खिला सकते हैं, जैसे कि हम इनको केला, सेब, पपीता, अनार, ये सब चीज़ें हम इनको खिला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि साथ के साथ हम इन्हें बेबी कैरेट भी खिलाएं। बेबी कैरेट ऑरेंज कलर की जो गाजर होती है हम इनको वो भी खिला सकते हैं, और साथ के साथ खीरे खिला सकते हैं हम इनको। अच्छे से कोकोनट खाता है, इसको फेवरेट कोकोनट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम अपने डॉग को चिकन 6 मंथ से पहले बिल्कुल ना दें। और साथ के साथ अगर आपको, मेरे पे कई कॉल्स आती हैं कि सर हमारा डॉग्स कुछ नहीं खाता, हमने सब कुछ चीज़ें ट्राई कर ली, हम क्या करें हमें बताइए, हमारा पग बहुत ऐसा मुंह चढ़ा के बैठा रहता है, कुछ नहीं खाता। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग परेशान हो चुके हैं, ना तो वो दही खा रहा है ना वो एग खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिकन की डिमांड कर रहा है, तो दोस्तों फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप चिकन चंक्स ग्रेवी आती है मार्केट से, जो कि आप उसको चपाती में मिक्स करके उसको खिला सकते हैं। आपका डॉग्स 100% है कि वो खाना ज़रूर खाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और हाँ बेल आइकन को दबाना भी मत भूले। थैंक यू सो मच।